नमस्कार, इंडिया समाचार में अपने संबोधन के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आँखा अस्पताल सुधार संघर्ष समिति विभिन्न मांग रखित ज्ञापन पत्र बुझेने मुख्य प्रशंसा। जानकी आँखा अस्पताल के भ्रष्टाचारी सबक अखाड़ा बना देने कहे थे। जानकी आँखा अस्पताल सुधार संघर्ष समिति विभिन्न मांग रखित ज्ञापन पत्र बुझौलक अही भे की सेवाग्राही के सुविधा प्रदान करे तैल आँखा अस्पताल के बोझी के संस्था बना देनी। अस्पताल के बर्बाद करो खेल भरला से सुधार के मांग रखित अपनी सब ज्ञापन पत्र बुझेनी। संघर्ष समिति के संयोजक श्याम सुंदर झा जानकारी देने सैन मौखिक रूप में अस्पताल में व्याप्त विभिन्न समस्या समाधान के लिए अस्पताल व्यवस्थापन समिति संग कई महीना से मांग के लोग अटेरी कैल गया के बाद लिखित रूप में जानकारी करावल जेहन ज्ञापन पत्र बुझेने वो जानकारी देने सैन। संघर्ष समिति बुझेने ज्ञापन पत्र में विभिन्न 14 बुंदे मांग समेत अगाड़ी सारण गए। विगत समय में कतक पटक व्यवस्थापन समिति रेखा अस्पताल का विभिन्न समस्या और समाधान कर दिन होना का लगी अनुरोध कर लिखित पत्रचार करता वहाँ वास्ता नगर्नु बोले हमी बाध्य भर आज पुनर्ज्ञापन पत्र श्री जानकी आँखा अस्पताल प्रशासन शाखा में बुझाऊना आरो जो आँखा अस्पताल का समस्या समाधान कर दिन अभी हमी व्यवस्थापन समिति संग तर को मीडिया मार्फत अनुरोध करना चाहूँ कि हे सभापतिजी जानकी आँखा अस्पताल में जो देखिए समस्या त्यसका समाधानका लागि तपाईं एकचोटि बैठक बसदिनुस्। हाम्रो विनम्र अनुरोध हो, हामी आन्दोलनतिर जान चाहन्न। यो समस्या समाधान गरिदिनु भयो भने सब कुरा निको हुन्छ। आँखा अस्पतालका समस्याका लागि एकचोटि बैठक हुनै पर्छ। यो बैठकको लागि विगत समयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिधो कार्यालयमा पनि कुरा भएको थियो कि तपाईँ एकचोटि बसेर यो समस्याहरू समाधान गरिदिनुहोस्। यहाँसम्म सिधो कार्यालयमा भयो कि भोलिपल्टै मिटिङ बस्ने, जसको महिनो बितिसक्यो अहिलेसम्म त्यो समस्या समाधान र मिटिङ भएको रहेछ। जसकारण एउटा कोषाध्यक्षज्यू एउटा सभापतिज्यू अस्पतालका विधानले भन्छ कि जो धनुषा जिल्ला शाखाका सभापति हुन्छ त्यो आँखा अस्पतालका पदेन उपसभापति हुन्छ। एउटै व्यक्ति सभापति पनि र उपसभापति पनि कसरी भयो होला? यो अर्को छ, यो यत्रो ठुलो संस्था छ, नेपाल सरकारको कुनै निकायमा श्री जानकी आँखा अस्पताल दर्तै भएको रहेन अहिलेसम्म। त्यस कारणले हामी चाहन्छौँ कि नेपाल सरकारमा यो संस्था दर्ता होस्। यो रिक्त रहेका स्थान पूर्ति गर्नका लागि खुल्ला विज्ञापनद्वारा हुनुपर्ने, जबकि वर्षौँदेखि यहाँ विज्ञापन नगरिकन आफ्नो खल्तीबाट मान्छे नातागोताको हिसाबले राखिरहेछ। अस्पतालको विधानको परिच्छेद 7:3 खण्ड कमा लेखिया छ कि अस्पतालका कर्मचारी डाक्टर र उन्जेलसम्म बाहिर क्लिनिक सञ्चालन, पसल सञ्चालन, हस्ती पसल सञ्चालन गर्न नपाइने। तर अहिले चारैतिर आँखा अस्पतालका जुन बोर्डर छ सबैमा उहाँहरूले क्लिनिक थापेर बस्नुभएको छ। नेपालमा धेरै आँखा अस्पताल छन् तर कुनै आँखा अस्पतालमा कर्मचारीले बाहिर प्र्याक्टिस गर्दैन, जानकी आँखा अस्पतालमा प्र्याक्टिस गर्छन्। दुई कमिसनका अस्पष्ट खेलहरू देखिएका छन्, जो यथेष्ट प्रमाणहरू, लेटर प्याडहरू, आँखा अस्पतालका लेटर हेड समेत युज गरेर उहाँहरूले आफ्नो क्लिनिक सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। जस कारणले दिन प्रतिदिन जानकी आँखा अस्पतालमा बिरामी सङ्ख्या कम हुनु, पेसेन्ट सङ्ख्या नबढ्नु, बिरामीको जुन अपरेसन सङ्ख्या छ जो वर्षौँदेखि 10-12 हजारको बिचमा अड्किने, यही लाहान आँखा अस्पतालहरू लाखौँ सर्जरी गर्छ, त्योभन्दा ठुलो क्षेत्र जानकी आँखा अस्पतालको छ तर यहाँ बिरामी 10-12 भन्दा बढी भएको रहेनछ। त्यो कारणले यो सबै क्लिनिकमा घेरिन्छ। त्यो कारणले हामी चाहन्छौँ कि आँखा अस्पताल व्यक्तिको हिसाबले होइन कि आँखा अस्पतालको जो विधान छ त्यो हिसाबले आँखा अस्पताल चल्नु पुरा भन्नुभयो किनारो के कगारमा चाहिँ लागेर केना बस्ते त 15 वर्ष से आइ तक ले एगो भ्याकेन्सी नै निकाल्ने है ई संस्था 15 वर्ष से जे भ्याकेन्सी निकाल्ने से कति जनताके सुविधा देती। हमरा अपने घर के एगो समस्या छ, 3 दिन पहिले हमरा बाहर में 12 हजार रुपया तिरके प्राइवेट हॉस्पिटल आइ के ऑपरेशन कराबे पड़ल। अहिया के नागरिक समाज सब जे आंदोलन कलकी आइ ज्ञापन पत्र बुझेलकी सही काम के लागि हमरा से जभी खोजते तभी प्यार छ। आइ जनमत पार्टी के वार्ड नंबर 8 के जे वडा अध्यक्ष छ हम हुनका सब कहि रहल छी कि अहाँ सब 24 घंटा हुनका सबके सहयोग करियौ, सही कामके लागि पछाड़ी नहीं हटियौ। आइ इंडिया से ने ऑपरेशन कराबे आयल छलै, आइ जनकपुरमे 5-10 क्लिनिक केला खोलि गेलै जानकी आँखा अस्पतालके दुर्दशाके चलते। चाहौ तऽ ई वार्ड नंबर 8 के वाडा कार्यालयमे समस्याके समाधान कऽ सकियै। बात 2075 संशोधित विधान 2077 अनुसार 9 सदस्य व्यवस्थापन समिति गठन कर जानकी आँखा अस्पताल अखन धरि नेपाल सरकारके कोनो निकायमे दर्ता नै रहनासँ संस्था अविलम्ब दर्ता कर रिक्त स्थानके पद पूर्ति तथा खुल्ला विज्ञापनद्वारा
राखब अस्पताल के उपयोग के लिए खरीद कर पड़ल दवाई चश्मा तथा अन्य सामग्री खरीद के लापर खुला प्रक्रिया द्वारा व्यवस्थित कर अस्पताल आव रोगी सबके स्वतंत्र रूप में दवाई तथा चश्मा खरीद कर तत्कालीन सभापति विनोद शर्मा के कार्यालय आ संघर्ष समिति तथा अस्पताल समिति पदाधिकारी बीच भेल सहमति अनुसार अस्पताल संघ प्रत्यक्ष सरोकार राखब व्यक्ति मध्य दू गोटे के सदस्य के रूप में राख निर्णय अनुसार कार्यान्वयन कर पड़ल लगात के मांग सब ज्ञापन पत्र में उल्लेख कल गल धनुषा में प्रहरी ऊपर आक्रमण के आरोप में तीन गोटे ऊपर अभद्र व्यवहार विरुद्ध मुद्दा दर्ता कल गल धनुषा के शहीद नगर नगर पालिका 8 बीस बोरा के भुल्ला कहल गेल शैलेन्द्र रोहित पप्पू कहल गेल उदय कुमार रोहित आ अमरपति रोहित ऊपर अभद्र व्यवहार संबंधी मुद्दा दर्ता कल गेल इलाका प्रहरी कार्यालय यदु कोहा के इंस्पेक्टर चंद्रकिशोर साहब जानकारी देने से प्रहरी के अनुसार जगह विषय में रिश्तेदार संगे भेल विवाद के बाद शैलेन्द्र रोहित सार्वजनिक सड़क अवरुद्ध केने छल सड़क खुलाबा इलाका प्रहरी कार्यालय यदु कोहा से प्रहरी टोली ओत पहुँचल छल अही क्रम में भुल्ला सहित तीन गोटे प्रहरी ऊपर आक्रमण सेहो केने छल प्रहरी के मारि देव धमकी समेत देल गेल इंस्पेक्टर साहब जानकारी देने छन घटना बाद इस सब गोटे फरार रहल आ खोजबीन समेत भ रहल प्रहरी द्वारा जानकारी देल गेल अछि सहकारी प्रकरण में सांसद छानबीन समिति गठन कर पर मांग रखत नेपाली कांग्रेस विरोध जनने बाद प्रतिनिधि सभा बैसार अवरुद्ध कल गल मंगल दिन बैसल बैसार के समय में कांग्रेस सांसद सब उठक विरोध जनौले छल अही क्रम में कांग्रेस के सचेतक सुशीला थिंग प्रतिपक्षी दल उठेने गंभीर विषय संबोधन नहीं कल गला से गलाव के रणनीति रहल कहत सदन के काम कार्यवाही आगा बढ़ नहीं सकत जानकारी करौलन ओ गृहमंत्री रहल कारण रवि लामे छानी ऊपर अनुसंधान नहीं कल गेल आ छानबीन समिति समेत गठन कर सत्तापक्ष तैयार नहीं रहल धारणा रखलन सिंह धारणा रखने बाद सभामुख देवराज घिमरे राजपा सांसद मनीष झा के बाजल समय देने छलन जाय के बाद कांग्रेस सांसद सब विरोध जनौने छन बैसार में सभामुख घिमरे सहज रूप में सदन के काम कार्यवाही आगा बढ़ाव आग्रह कलो पर विरोध कायम रहला के बाद बैसार 15 मिनट के लिए स्थगित कल गल छल अनेक खालका विसङ्गतिका कुराहरू समस्याका कुराहरू आइरहेका छन् यी कुराहरू सदनमा छलफल गर्न सकोस् भन्नको लागि हामीले सदनको वातावरणलाई सहज बनाएर लानको लागि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर सदनको वातावरणलाई अगाडि लानुपर्दछ र यसरी अगाडि लानको लागि नै हामीले सदनको नियमित कार्यसूचीलाई प्रभावित नपार्ने गर्नको लागि धेरै कोसिसहरू गरिरहेको कुराहरूप्रति ध्यान आकर्षण गराउँदै समस्या छलफलहरू गर्ने थलोको रूपबाट एकलाई विकास गरौँ र मान्यजीहरू आफ्नो कुराहरू राख्दै अगाडि बढ्नको लागि म मान्यजीहरूलाई आसन ग्रहण गरिदिनुहोस् र आफ्नो कुराहरू राखिसकेपछि हामी निर्धारित सूचीमा जाउँ र बहस र छलफलहरूलाई गर्दै सत्ता प्रतिपक्षको बिचमा अगाडि लानको लागि पनि मान्यजीहरूले सहयोग गरिदिनुहोस् म हार्दिक अनुरोध गर्दछु संसदलाई एउटा विधि अन्तर्गत सञ्चालन गर्नको लागि धेरै मेहनत गरेर हाम्रो संसदीय नियमावली पास गरेका छौँ पहिनके बैसारमा सांसदीय छानबिन समिति गठनके लिए ध्यान आकर्षण गराएको बैसार सञ्चालन भेलोपो मङ्गल दिन काङ्ग्रेस कार्यसूचीले प्रवेश गरेको बैसार अवरुद्ध केन छ राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदके लिए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले आ नेपाली काङ्ग्रेस र अलग अलग उम्मेदवारी दर्ता कल गेल छ मङ्गल दिन संसद भवन नयाँ बानेसरमी एमालेकै दिशा बिमला घिमरे उम्मेदवारी दर्ता गराउने छन् घिमरेकै प्रस्तावमा सांसद भगवती न्यौपाने आ समर्थकले सांसद गोपी बहादुर सार्की अछामी रहल छन् अहिना नेपाली काङ्ग्रेसकै दिशा विष्णुदेवी पुरा सैनी उम्मेदवारी दर्ता गराउलिन् पुरा सैनिकै प्रस्तावमा सांसद दुर्गा गुरुङ आ समर्थकमै सांसद नारायण दत्त भट्ट रहल सहित उपाध्यक्षको निर्वाचन बुध दिन भ रहल यस्तो उम्मेदवारी दर्ता कलाक बाद सञ्चारकर्मी सबसँग बातचित गर्दै एमालेकी दिशा उपाध्यक्षकी उम्मेदवार घिमरे अपनाके मतदानको निर्वाचित गराबल आग्रह सेहो कलन अपनाके अपन दल यी जिम्मेवारी देलासँग धन्यवाद समेत व्यक्त कलन सँगै काङ्ग्रेसकै दिशा उम्मेदवारी दर्ता गरिने पुरा सैनी राष्ट्रिय सभाकै गरिमामै बढाव अपनी भूमिका खेलब जानकारी गराउलन्
उम्मेदवारी दर्ता भोलि निर्वाचनको कुरा छ। म सबै मिडियाका साथीहरू मार्फत पनि र हामी दलगत हिसाबले पनि सबै माननीय ज्यूहरूलाई भोलि उम्मेदवारी मेरो परेको छ यसमा मतदान गरेर मलाई निर्वाचित गराउनका निम्ति म हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु, यसबाट अपिल पनि गर्दछु र सबै साथीहरूलाई भोलि निर्वाचित भइसकेपछि गर्ने कुराहरू त फेरि भोलि पनि गरौँला। म एकदमै खुसी छु, मलाई मेरो दलबाट यो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भाग लिनका निम्ति अनुमति प्रदान गर्ने मेरो दल आज निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिनुहुने पदमा चाहिँ उम्मेदवार दिएर गरिमा भयो। मेरो आफ्नो मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभा पनि गरिमा बढाएको छु, बढाउन कोसिस गर्छु। राष्ट्रिय सभालाई साँच्चै नै गरिमामय बनाउनुपर्छ। कर्मकारी कर्मकाण्डी मात्रै हुनु भएन भन्ने मेरो पहिलादेखि, म यहाँ जुन दिनमा प्रवेश गरेँ त्यो दिनदेखि राष्ट्रिय सभालाई गरिमामय बनाउनुपर्छ। जनताको मन छिन्ने मन छुन्ने खालका चाहिँ यो ऐन कानुन बनाउन हामीले आवाज उठाउनु पर्छ। तत्कालीन उपाध्यक्ष उर्मिला आर्याल पद सह राजीनामा धन्यवाद निर्वाचन भूगोल यागलाई श्री राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सरकार विरुद्ध जनप्रदर्शन केलकै छु। विभिन्न माग रखैत आन्दोलनरत राप्रपा काठमाडौँमै सरकार विरुद्ध जनप्रदर्शन केने। जनप्रदर्शनकै क्रममै प्रदर्शनकारी सब अभद्रकालीन निषेधित क्षेत्र तोडेट जुलुस सिंह दरबार दिस जाय लागल बाद प्रहरी डुब्ने समेत छन्। एहि क्रममै प्रहरी आँसु ग्यास आ पानीके फोहरा समेत प्रहार केने त किछु देर बाद प्रहरी आ प्रदर्शनकारी बीच झडप समेत भेल अछि। एहि क्रममे राप्रपा सांसद बुद्धिमान तमाङ, ज्ञानेन्द्र शाही लगायत के प्रदर्शनकारी आ किछु प्रहरी समेत घायल भेल छन्। प्रदर्शनके प्रहरी हस्तक्षेप केने बाद राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन नियोजित रूपमे गृहमन्त्री अपन प्रदर्शनके रूप निर्देशन देने आरोप समेत लगौलनि। ओ आपके प्रदर्शन गृहमन्त्रीके राजीनामा माग कहित आगा बढत जिक्र केलनि। हामीले भर्खरैको अहिले खबर आएको छ, निषेधित क्षेत्रबाट बाहिर यहीँ शान्तिपूर्ण ढङ्गले हिँडिराखेको हाम्रो माननीय बुद्धिमान तामाङलाई प्रहरीले आक्रमण गरेर घाइते बनाएर उहाँ ढल्नुभएको कुरा सुन्नमा आएको छ। हामी सबैले सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्नेछौँ र सबैतिर यत्रो साथीहरू हुन पाएका सबै साथीहरूलाई खबर गर्नुहोस्। अब यो सरकारको विरुद्ध यो गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग लिएर अब हाम्रो आन्दोलन फेरि थप सुरु हुन्छ। कमन गेटले त अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ओ त पनियो भएर लाग्छ। हामीले शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्दै भनेका थियौँ। हामीले परिणाम जानेको हिंसात्मक कुरा गरेका थिएनौँ। हामीले निरन्तर रूपमा भनेका थियौँ यो निषेधित क्षेत्र संविधानभन्दा माथिको कुरा होइन। संविधानमै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्न पाउने, शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने, शान्ति अहिसँग पहिने राप्रपा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै 40 बुन्द ज्ञापन पत्र समेत पेस केने छ। जाहिमे गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता खारेज राजा सहितकै शासन व्यवस्था गर लगायतकै माग रहल अछि। सङ्गठित योजनाबद्ध प्रलोभन तथा छल कपटपूर्ण धर्मान्तरणमै तत्काल रोक, प्रदेश संरचनाके खारेजी आ दू तहके सरकार केन्द्र आ अधिकार प्राप्त स्थानीय तह बनाबल लगायत माग रखैत राप्रपा आन्दोलन कऽ रहल अछि। प्रतिनिधि सभाके बैसार चैत्र 28 गते बुध दिनके लेल स्थगित कयल गेल अछि। मंगल दिन बैसारमे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सहकारीके रकम अपचन केने विरुद्ध छानबिनके लेल संसदीय समिति गठन करम माग दोहोर्किने बाद संसद अवरोध भेल छल। सभामुख देवराज ठिङ्गे 15 मिनटके लेल स्थगित केने बैसार विशेष कारण देखबैत सूचना टाइम्सके काल्हिखन भिनसर 11 बजे धरिके लेल स्थगित कयल गेल जानकारी कराओल गेल अछि। एहि बीचमे सभामुख दलकी सचेतक सबसँग छलफल केलहुँ, कोनो निष्कर्ष नै निकलल बाद बैसार बुध दिनके लेल स्थगित कयल गेलै। भारतके उत्तराखण्ड स्थित नैनीताल जिल्लामे सवारी दुर्घटनामे परिकऽ 7 गोटे नेपाली सहित 8 गोटेके मृत्यु भेल अछि। बेताल घाट नजदिकै भेल दुर्घटनामे अन्य 2 गोटे नेपाली घायल सेहो भेल छन्। मृतक नेपाली सब कञ्चनपुरके महेन्द्रनगर निवासी रहल भारतीय मिडिया टाइम्स अफ इन्डिया जानकारी देने अछि। यी सब गोटे घर आबि रहल समय दुर्घटनामे फल छन्। त अहिना भारतके हिन्दुस्तान टाइम्स सोमके राति भेल दुर्घटनामे 7 गोटे नेपाली आ 1 गोटे चालक सहित 8 गोटेके मृत्यु भेल जानकारी कराउने अछि।
भारत के बेतान घाट के उच्चाकोट कहल गेल ठाम में जल जीवन परियोजना के काज करे तैल कामदार सब रहल समाचार में उल्लेख रहल अछि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोन के दाम आय तोला के 100 रुपया से बढ़ कर नया रिकॉर्ड कायम कलक। काल खन सोन के दाम तोला के 136,200 रुपया में कारोबार फिर सल तो आय सोल 100 रुपया से बढ़ कर तोला के 136,300 रुपया पहुँचल। नेपाल सोन चानी व्यवसाय महासंघ जानकारी देने अना चांदी के दाम आय यथावत रहल। आय चांदी काल जेहन तोला के 1,685 रुपया में कारोबार भ रहा है। बेस्त टुडे समाचार अखन के लिए एतबा। पुनः दोसर समाचार लग उपस्थित हवेटा करब। तखन धरि के लिए हम सपना विदा मांगे छी। देखे सही टीवी टुडे जनक न्यूज़ कार्ड।